तो अगर आप भी इस तरह की जेब को लगाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइन टेलर कटिंग मास्टर। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सैड पॉकेट की कटिंग और सिलाई करने का तरीका। दोवें इको वीडियो दे विच असी दोवें जग जगह तरीके सिखाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों साढ़े को आ के दो पीस असा दो जेबा कटनिया ने, इन्हों के अच्छे सब तो पहले अच्छी तरह इस्त्री लगावेंगे। इस तरह दोवां पीसां ते इस्त्री लगा लेनी ताकि जेब की कटिंग जी बहुत ज़्यादा फिट हो। और दूसरी साइड लूँ, दूसरी साइड लू भी अच्छी अच्छी तरह इस्त्री लगा लेनी ताकि, और इतों वाट नहीं निकल रहे, इतने से हल्का हल्का पानी लगा लेने कि वाट शाट निकल जाते। लेकिन जब वाट नहीं निकल रहा, लेकिन वाट शाट हो गए। ओके, हाँ दोस्तों असी जरा आया है इन सब बिल्कुल बराबर करना है कटिंग करके, इस तरह इक्को जी हो जाते, इस तरह ये बिल्कुल बराबर हो गया। इस तो बाद उनसे सवा सात या पूरे सात ते असी जेब की चौड़ाई रखनी, क्योंकि डब्बा लेना असी सवा इंची ते सवा सात ते निशान और एक सवा सात ते इतने दो निशान लगा के उस तो बाद इस तरह सब फोल्ड कर देना इस तरह, और ये उत्ते असी इस्त्री लगा देनी इस तरह। इस्त्री दोस्तों लग गई, हूँ असी इनकी जी लंबाई है दोस्तों, इस्त्री शिस्त्री लग गई, हूँ असी जी लंबाई है वो असी निकाल लेंगे। लंबाई तो रखनी साढ़े भी, यानी इस जगह तो असी निशान लगा लिया और इस जगह तो साढ़े भी, और उस तो बाद पांच इंची इतने इस तरह डाउनिंग कर दी इस तरह और इस तरह, और असी एक निशान लगा लिया लाइन। ठीक है दोस्तों, और इस साइड ले लाइन लगा ली, हूँ असी इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग किस तरह करनी है, कटिंग भी बहुत ज़्यादा हैवी करनी है। इतों तो दोस्तों सीधी कैंची ले जा, इतना हल्की जी शेप दे देनी इस तरह, हल्की शेप दे के और फुल कटिंग कर देनी इस तरह, और इस तो बाद इतने भी असी कटिंग कर देने। लो दोस्तों जेब की कटिंग होगी कंप्लीट, हम असी इतने इस्त्री मार के और उस तो बाद 8 इंची असी इतने छड़ के निशान एक लगा देना इस तरह, और उस निशान से जेब न असी इस तरह पा देना इस तरह पा के इन उत्ते फिर असा इस्त्री में लगा देना इस तरह, और इस तो बाद असी इतने टुका ला देना इस तरह, और एक इस जगह। लो दोस्तों जेब की कटिंग जी कंप्लीट हो गई है, हूँ असं तुम्हें सिलाई करके दिखावे कि वह सिलाई साड़ी किस तरह होएगी। ओके, जेब देख सकते हैं बड़ी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, और जिस टाइम तुम जेब कटनी जी आ चीज़ है इनकी अच्छी तरह छांटी करनी है, ताकि जिस टाइम असं इन इस तरह जेब लगाइए और इन कोई वट शट ना आ जाए इस तरह। ठीक है दोस्तों, उस तो बाद साड़ी जेब है लै, इन सब तो पहले असं थलो एक पैर की सिलाई लगावे इस तरह, एक पैर की लानी है सिलाई, बिल्कुल पैर की, ज़्यादा नहीं लगानी
दोस्तों ए पैर की सिलाई लग गई और उस तो बाद धागे की कटिंग कर देनी। उस तो बाद जो टुके लगे हुए हैं उन्होंने असं मिला देने और इस तरह इन जी अगली सिलाई लाई उस सिलाई के उत्ते बिल्कुल सिलाई लगा और अद्धी अद्धी इंच के दबाव से और इस जगह को पक्का कर देना। और उस तो बाद दूसरी साइड वाले भी असं सिलाई लगा देनी इस तरह। और दूसरी जी सिलाई सपै लगाई है उन बिल्कुल सिलाई लगा लेनी। इस तो बाद असं इन इस टुके ला देने इस तरह कि धागे जड़े ने वह इन बहर ना आने। इस तरह दोस्तों टुके लग गए। उस तो बाद असं सीधियां कर देना इस तरह बिल्कुल सीधे हो गया। उस तो बाद असं इतने सिलाई लगावे तोड़ तक ताकि जेब लगाने विच बड़ी आसानी पैदा कर सी। तुसी किनारे की सिलाई लगा लो, किनारे की एक सिलाई लगती आसान है और बाकी सही लगती है और दबाव पूरा पूरा देना। इस सिलाई लगावन के नाल बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तुसी भी यह सिलाई जरूर लगानी है और एक तुसी नोक बना देनी है और इस तरह दूसरे रुख भी दबाव पूरा पूरा देना, दबाव ज़्यादा नहीं देना इस तरह। तो दोस्तों सिलाई सी कंप्लीट लग गई है। देखो हूँ असी जेब नू लावांगे कमीज दे नाल। इस तरह कमीज दी असी जेबां दी जगह बना ली है। इस जेब की जगह तू बट शर्ट बिल्कुल काट के और इस तरह इन पा देना और जी जेब है इन असं इस तरह सीधिया करना और इस तरह इन बन पा देना इस तरह और इनका बिल्कुल सेंटर आ गया और ये सेंटर इस सिलाई के नाल ला के उस तो बाद असी इधर चेक करना एक दूसरी जेब बिल्कुल सैट आ रही। लेकिन जिमें मैं कटिंग की इस कटिंग तो करनी इंशाल्लाह तुहाडी जेब बहुत ज़्यादा फिट आएगी। उस तो बाद असी इस तरह खोल के और इतने असी किनारे ते भैड़ी सिलाई लगावे इस तरह और इस दोगे और बिल्कुल ही फिट जगह पर लगेगी इंशाल्लाह। तुसी इसे सेम टू सेम तरीके तक जेब लानी बहुत ज़्यादा फिट लगसी और कमीज दे विच वाटी ना दसी। और इस तो बाद इस तरह करके इन दोवां नूं पक्कियां कर लेना यानी ये हलण जुलण ना इस तरह पा के इस तरह और इस सिलाई के नाल बिल्कुल उनकी नोक जी वो रला देनी और लो जी नोक सेम रल गई। और इस तो बाद दूसरी रुख कर लेना इस तरह और इतों बिल्कुल कपड़े नूं बराबर रख के जी अगे अभी किनारे सिलाई लगाई है उस सिलाई के उत्ते उत्ते असी सिलाई तोड़ लगा दें और इतों चुक के इस तरह और अगली सेम टू सेम उस उत्ते होंगी सिलाई तो सिलाई लगा देंगे बस लो दोस्तों जेब साड़ी कंप्लीट लग गई। उस तो बाद धागे कटिंग करने थलो भी और उत्तों लो दोस्तों जेब साड़ी कंप्लीट लग चुकी है बिल्कुल नोकों के उत्ते किधरों भी कोई डिंगी चिब्बी नहीं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा साड़ी जेब फिट लगी है। अगर दोस्तों वीडियो देखकर आपका कुछ फ़ायदा मिलो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना और हमें एक प्यारा सा कमेंट कर देना। दोस्तों हम अभी तुम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।